प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी वीर काव्य परंपरा में भूषण की रचनाओं को देखेंगे, खासतौर से शिवावागनी का मूल्यांकन करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य में वीर काव्य का आरंभ आदिकाल से ही हो जाता है। यह एक संयोग की बात है कि उस समय में विदेशियों के आक्रमण भारत पर आरंभ हो चुके थे। मोहम्मद गोरी जब आरंभ में हार कर यहाँ से गया था, वह कई बार यहाँ आया। इन विदेशी आक्रांताओं का सामना करने के लिए हिंदी कवियों ने अपने राजाओं तथा उनके सैनिकों को बराबर प्रोत्साहित किया। वास्तव में वीरगाथा काल में जिस वीर काव्य का अभ्युदय हुआ, वह युगीन परिस्थितियों की ही देन है। यह काल वास्तव में युद्धों का काल था। प्रत्येक राजा अपने सीमित साधनों में ही युद्ध में संलग्न रहता था। उस युग के कवि भी कलम के साथ साथ तलवार के भी धनी थे। युद्ध भूमि में वे स्वयं भी लड़ते थे और अन्य जो साथी सैनिक थे उनको भी युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते थे, उनका उत्साह वर्धन करते थे। हिंदी का यह युग वीर प्रशस्तियों का युग था। इन वीर प्रशस्तियों की एक विशेषता यह थी कि वे मौलिक रूप से या गेय रूप में ही विद्यमान थी, मौखिक रूप से या गेय रूप में ही विद्यमान थी। यही कारण है कि तत्कालीन वीर काव्यों को जब काफी दिनों बाद लिखा गया तो उनमें अनेक प्रकार की विकृतियां आ गईं। अन्य कवियों के प्रांतीय शब्द उनमें स्थान पाते चले गए या अनेक कवियों द्वारा रची गई रचनाएं भी उनमें घुल मिल गई। राजस्थान के राजपूत राजाओं के यहाँ राजकवि रखने की परंपरा आरंभ से ही रही है। ये कवि अपने आश्रयदाता का यश वर्णन करते थे। इनका काम ही राज प्रशस्ति करना था। कहीं कहीं तो इन कवियों ने अपने आश्रयदाता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, जिसके कारण ऐतिहासिक तथ्य, नाम, सन, घटनाएं सभी कुछ गलत हो गई हैं, या फिर परंपरा से आते आते असली तथ्य लुप्त होते चले गए और परंपरा के अनुयायियों ने ही उनमें नए नाम, नए सन तथा नई घटनाओं की सृष्टि कर डाली। फिर भी कुछ भी हो, इस समय की रचनाओं को संदिग्ध रचनाएं माना जाता है तथा उनको ऐतिहासिक तथ्यों से हीन समझा जाता है। वीर शब्द मूलतः शूर तथा योद्धा के लिए प्रयुक्त होता है, अतः वीर काव्य के अंतर्गत उन समस्त काव्य रचनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिनका आधार ऐतिहासिक घटनाएं हैं या जिनमें आश्रयदाताओं की कीर्ति, युद्ध सज्जा, गर्वोक्तियां, युद्ध एवं वीरतापूर्ण कार्यकलापों का चित्रण किया जाता है। आदिकाल में वीर प्रशस्तियों के रचयिता भाट या चारण थे। ये भाट या चारण दो भाषाओं में अपनी काव्य रचना करते थे, डिंगल और पिंगल। डिंगल से तात्पर्य शुद्ध राजस्थानी भाषा से है, जो युद्धों के चित्रण के लिए उपयुक्त भाषा मानी जाती थी। पिंगल से तात्पर्य डिंगल में अनेक भाषाओं के शब्दों के, विशेष रूप से ब्रज भाषा के मिश्रित शब्दों से तात्पर्य था। अर्थात शुद्ध राजस्थानी भाषा में जब ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण किया जाता था तो वो भाषा पिंगल कहलाती थी और ये श्रृंगार वर्णन में उपयुक्त मानी जाती थी। डिंगल भाषा की कविता प्राय भाट ही किया करते थे तथा ये राजस्थानी राजाओं के आश्रित कवि थे, किंतु पिंगल भाषा में कविता ब्रज भाषा के कवि भी किया करते थे। उस समय की एक कृति दलपति विजय की खुमान रासो है, यह खंडित प्रति है तथा आज जो प्रति हमें उपलब्ध होती है उसमें महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है, का भी वर्णन मिलता है। दूसरा प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई है, जो जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इस ग्रंथ की कई प्रतियां प्राप्त होती हैं। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ का अनेक दृष्टि से अनुसंधान किया है तथा उनके अनुसार इसमें कथित घटनाएं, संबद्ध नाम तथा अनेक ऐतिहासिक तथ्य इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। इन प्रतियों में आपस में भी साम्य नहीं है। नरपति नाले का बिसल देवरासु भी इसी काव्य परंपरा का एक अन्यतम ग्रंथ है। इसमें राजा बिसल देव की प्रेम गाथा ही प्रमुख रूप से आई है। इस ग्रंथ के बारे में भी ऐतिहासिक तथ्यों से मेल करने का पता चलता है कि ये भी एक संदिग्ध रचना है। जगनिक कवि का आलाखंड अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। जगनिक कालिंजर के राजा परमाल का भाट कवि था। इसमें आला उदल के वीर कृत्यों का वर्णन किया गया है। भक्ति काल में
हिंदू नरेशों का पराभव हो चुका था तथा वीर रस के स्थान पर भक्ति ही सर्वत्र परिव्याप्त थी। उसमें इंद्रियों से युद्ध करने की चर्चा सर्वत्र हुई। तुलसीदास के रामचरित मानस में भी वीर रस का वर्णन हुआ है, पर उसमें अलौकिकता का हल्का सा आवरण है। भक्ति काल में वीर रस का जो स्वरूप दिखाई देता है उसके नायक प्राय अलौकिक ही थे। रीतिकाल में श्रृंगारिक प्रवृत्ति का प्राधान्य रहा है। भूषण ने इस चतुर्दिक वातावरण में वीर रस की श्रेष्ठता सिद्ध की है। रीतिकाल में एक तरफ रीति ग्रंथों का निर्माण हो रहा था तो दूसरी ओर आश्रयदाता के युद्धों और क्रियाकलापों का गुणगान भी किया जा रहा था। इस वीर काव्य की भाषा पिंगल थी, ब्रज थी। इस भाषा में केशवदास ने रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका नामक तीन ग्रंथ रचे हैं। इसमें से रतन बावनी के में मधुकर शाह के 22 वर्षीय पुत्र रतन सेन की वीरता का वर्णन किया गया है। रतन सेन ने युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की थी। इस ग्रंथ में कवि ने आदिकालीन वीर काव्य की संवादात्मक पद्धति का आश्रय लिया था। वीर सिंह देव चरित्र में भी लोभ और दान की संवादात्मक पद्धति को अपनाया गया है। इस काव्य में दरबारीपन तथा ऐतिहासिक घटनावली को विशेष महत्व दिया गया है। जहांगीर जस चंद्रिका में संवादात्मक पद्धति पर अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इनकी काव्य भाषा पर बुंदेलखंडी प्रभाव दृष्टव्य है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल की वीर काव्य धारा को द्वितीय उत्थान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने वीर काव्य की 5 पद्धतियों की ओर संकेत किया है, जिनमें से पहली है युद्ध वीर काव्य, दूसरा है रासो पद्धति का श्रृंगार मिश्रित वीर काव्य, तीसरा है वीर देव काव्य या भक्ति कवि वीर काव्य, चौथा है अनुदित वीर काव्य और 5वां और अंतिम रूप है दरबारी कवियों का प्रकीर्ण वीर काव्य। वीर काव्य में भूषण, श्रीधर, लाल, सूदन और पद्माकर आदि कवियों के नाम प्रमुख हैं। श्रीधर ने अपनी काव्य रचना जंगनामा में फर्रुखसियर तथा जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन किया है। इसमें नावों की भरमार तथा अमीरों की सजावट तथा विशेषणों की आवृत्ति करने में श्रीधर ने अपनी रुचि दिखाई है। इस कारण कथा वर्णन में निरसता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी तरफ कविलाल ने अपने छत्र प्रकाश में, उनकी रचना का नाम है छत्र प्रकाश में पन्ना नरेश छत्रसाल के जीवन का वर्णन किया है। इसमें नामों की दीर्घ सूची लेकर निरसता आ गई है। कवि सूदन ने अपने सुजान चरित में भरतपुर के राजा सुजान सिंह के 7 युद्धों का वर्णन किया है, जिसमें युद्धों के वर्णन के साथ साथ प्रत्येक वस्तु, हथियारों, कवियों आदि के नाम का भरपूर परिगणन कर निरस्ता की सृष्टि की गई है। कवि पद्माकर के हिम्मत बहादुर विरुदावली, इनकी रचना का नाम है, में अनूप गिरी तथा अर्जुन सिंह के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें राजपूतों की उपजातियां, वाद्य यंत्र, हाथियों, घोड़ों, तोपों, बंदूकों आदि की लंबी सूची ली है, जिससे इसकी कथा में पर्याप्त अरोचकता उत्पन्न हो जाती है। अब इन सब वीर काव्यों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम भूषण की रचनाओं के बारे में सोचें तो भूषण के 3 ग्रंथ हैं, शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल, यही उपलब्ध हैं। इनमें भी शिवराज भूषण अलंकारों का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के उदाहरण में शिवाजी के शौर्य, शत्रुओं की तथा उनकी स्त्रियों पर शिवाजी की धाक एवं उनके आतंक के साथ साथ उनकी दुर्दशा का वर्णन किया गया है। शिवा बावनी में युद्ध वीर काव्य है, ये युद्ध वीर काव्य है। इसमें शिवाजी के पराक्रम, शौर्य, आतंक का वर्णन है। कुछ पदों में उनको हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। छत्रसाल दशक में भी राजा छत्रसाल की प्रशंसा है तथा उनकी वीरता का बड़ा रोचक शैली में वर्णन किया गया है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि अन्य सभी कवियों के काव्यों में जहां संवादात्मक शैली तथा परिगणन शैली का आश्रय लेकर काव्य की रचना की गई है, वहीं भूषण के काव्य में शुद्ध वीर रस का वर्णन किया गया है।
इनके सभी पद मुक्तक हैं और सर्वत्र मुक्तक हैं, मुक्त हैं, अपने अर्थ में पहले और अपने अगले पद से पूरी तरह से मुक्त हैं। इनमें कथा निर्वाह नहीं है, इसी कारण वह खांड की रोटी के उस टुकड़े के समान है जिसे जहाँ से तोड़े चाहे तोड़ी जाए वह मीठी ही होगी। अपने औषगुण प्रधान मैत्री के कारण भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, तो यही उनकी श्रेष्ठता का द्योतक है। शिवा भावनी भी काव्य गुण के परिपूर्ण होने के कारण वीर रस के वीर काव्य के रूप में एक श्रेष्ठ रचना है तथा शुद्ध वीर काव्यकारों की रचना में इसका एक महत्वपूर्ण तथा अत्यंत विशिष्ट स्थान है जो इसकी प्रसिद्धि का कारण भी है। धन्यवाद।